वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चैनल पर न्यू हो उसको सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारा 200K का एम कंप्लीट हो सके जल्द अज जल्द। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इंस्टाग्राम के मिल जाएंगे हम लोगों के कमेंट डिस्क्रिप्शन में। हाँ बिल्कुल। और यार बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज से यार मतलब सॉरी दो तीन दिन हम थोड़ा बिजी थे, तो वीडियो आज से वहां पर आएंगी, तो आप कर लो। काफी लोग बोल भी रहे थे यार उस चैनल पे आप लोग अपलोड बहुत कम करते हो, तो आपसे ज्यादा होगा अब वहाँ पे ज्यादा अपलोडिंग होगी। तो इंट्रो पे आते हैं जल्दी से। मेरा नाम वजाहत है, मैं हूँ मुबश्शिर। सो गाइस आज की वीडियो यार मतलब टाइटल से काफी मुझे जबरदस्त लग रही है, तो वीडियो का हिंदी में था टाइटल, तो हमने ट्रांसलेट किया है। देश में बंपर बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार $8 अरब का उछाल। मतलब फॉरेक्स रिजर्व में $8 बिलियन का एक हफ्ते में मतलब उछाल आया, मतलब $8 बिलियन का एक हफ्ते में उछाल। आर यू सीरियस? इसका सच में ऐसा? अभी ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आइडिया होगा, क्योंकि हमें तो इतना मतलब अभी फिलहाल नहीं पता ना, वीडियो देखेंगे तो पता लगे। और ये अब तक का सबसे ज्यादा नहीं है वैसे? बिल्कुल अभी तक तो 3-4-5 हो रहा था, 8 बिलियन। देखते हैं, काउंट ऑन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। Brought to you by Khata Book. इनका tomorrow होना, लेकिन हिसाब today हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। बिल्कुल। दिवाली पर इकोनॉमी में सुधार के साथ एक गुड न्यूज आई है। कोरोना संकट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। 6 नवंबर को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार $568.49 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। मैं 7 दिन में विदेशी मुद्रा भंडार में $7.77 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार $568 अरब के पार पहुंच गया है। $568 अरब इतनी बड़ी रकम है कि इससे भारत करीब 14 से 15 महीनों तक का आयात बिल चुका सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत के पास विदेशी पैसा ना भी आए तो अगले 15 महीनों तक विदेशों से आने वाले सामान की कीमत भारत चुका सकता है। भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक संपन्नता को बताने के लिए काफी है। इससे साबित होता है कि मोदी सरकार के कदमों का सकारात्मक असर दिख रहा है। अब आपको बताते हैं आखिर विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी की वजह क्या है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है आयात में कमी। पिछले कुछ महीनों में सस्ते कच्चे तेल की वजह से आयात बिल घट गया है। कोरोना की वजह से सोने के आयात में भी कमी आई है। कच्चे तेल और सोने की भारत के आयात बिल में बड़ी हिस्सेदारी है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी की वजह विदेशी निवेश का बढ़ना भी है। भारत में पिछले कुछ महीनों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है। कोरोना काल में जहां दुनिया के बड़े बड़े देश विदेशी निवेश लाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, ऐसे में भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। ये कॉरपोरेट टैक्स में कमी और कारोबार को आसान बनाने की वजह से भी हुआ है। विदेशी कंपनियां चीन में निवेश से परहेज कर रही हैं, इसका फायदा उठाने में भी भारत कामयाब रहा मतलब है। हर चीज से फायदा इंडिया उठा रहा है, भारत में निवेश कर रही हैं। अब आपको विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से क्या फायदा होगा ये भी बता देते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, सैन्य और जरूरी सामान खरीदने के लिए तुरंत फैसला ले सकते हैं। विदेशी निवेश ज्यादा आकर्षित होंगे, पैसा बैंकों में होता है। 30 साल पहले साल 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार शून्य पर चल रहा था। बीते 3 दशक में भारत ने शून्य से शिखर तक का सफर तय कर लिया है। 1980 से 90 के दशक में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार खाली पहुँच गया कि 1991 में देश को अपना सोने का खजाना गिरवी रखना पड़ गया था। लेकिन आज भारत का खजाना विदेशी मुद्रा भंडार से लबालब भरा हुआ है। ये मोदी सरकार की अच्छी नीतियों का ही नतीजा है। यार हमें भी मोदी सरकार बताए, यहाँ भी इनको भी थोड़ा बता दे। इसका वीडियो खत्म। तो यार मतलब मुझे उस पे शौक ज्यादा लगा। पहले तो यार बहुत बहुत मुबारक हो, $8 बिलियन का यार मतलब मुनाफा हुआ है इसके अंदर, जो कि मतलब एक छोटी रकम नहीं कह सकते, बहुत बड़ी रकम है यार, बहुत बड़ी। और 568 बिलियन हो गए हैं जो रशिया को अभी मतलब अगले हफ्ते या काट जाएगा और भारत चौथे नंबर पे आ जाएगा। यार मतलब भारत इतना तेजी से आगे इस चीज में भी जा रहा है कि रशिया तक वो काटने लगे जो दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी पावर्स हैं। बिल्कुल, वो रशिया यार मतलब अभी काट देगा, फिर फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, फिर स्विट्जरलैंड भी करीब ही है,
बार फिर तीन वो हो जाएंगे जापान और चाइना। यार ये कैसे, यार ये मोदी सरकार कैसे करे, मोदी सरकार यहाँ की भी सरकार को कोई आइडियाज वगैरह सही दे, बात है थोड़ा ऊपर जाए, मतलब ऊपर जाए यार, मतलब कमाल का ये है। और दूसरी बात मतलब आजाद $8 बिलियन का फुल वो पड़ा है, मतलब थोड़ा भी नहीं, अनबिलीवेबल। ये दिवाली पे हुआ है, जिस तरह दिवाली पे दिवाली पे चीजें बेची हैं, लाई हैं, मतलब बाहर से पैसा अभी काफी आया है क्योंकि लोग बेचते हैं दिवाली पे, मतलब कुछ न कुछ तरीके से यार सोर्सेज हैं जहाँ से मतलब बना है इतना सारा, और मतलब इन्होंने बनाया और इसको वो किया है बिल्कुल। और यार मुबशिर में सबसे बड़ी वजह भी ये भी है ना कि, और मैं शौक, रुपया भारी हो रहा है, डॉलर नीचे आएगा तो रुपया जब भारी, पाकिस्तान का भी रुपया भी भारी हो रहा है, हो रहा है। तूने देखा है ना, मतलब डॉलर कम होता जा रहा है कि मतलब एक डेढ़ मंथ में मतलब 12-1 रुपए मतलब डॉलर कम हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया था यहाँ पे, अभी डॉलर कम होता जा रहा है डेली, हाफ रुपए काट रहा है, मतलब इस तरह कम होता जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे काफी ये बात अच्छी लगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, अब वो मुझे उस बात पे थोड़ी शौक हुआ जिसमें जिस वक्त उन्होंने बोला कि पैसे वो गिरवी खजाना गिरवी इंडिया ने कब रखाया था यार, इसका थोड़ा अगर किसी को स्टोरी पता हो कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करना, क्योंकि बहुत बड़ी यार बात है, क्योंकि खजाना एक कंट्री का खजाना गिरवी, एक टाइम ऐसा भी हो और एक टाइम फिर ऐसा भी हो कि मतलब वो 600 बिलियन डॉलर के पास पहुंच चुके हैं ये, 600 बिलियन डॉलर जो मतलब ये फॉरेक्स रिजर्व होते हैं जो पैसा पड़ा होता है। एग्जैक्टली। और अभी ये अगर कोई डिफेंस की चीजें लेते चुटकियों में, मतलब चुटकियों में मतलब 10 अरब डॉलर 20 अरब डॉलर की डील मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल ये लोग करेंगे यार। मुबशिर एक राफेल कितने का, वो तो 90 मिलियन का है डॉलर या 70 मिलियन डॉलर इतने का, या एक चल 1 बिलियन डॉलर का कार दे तू चुटकियों में, बिलियन डॉलर का कहां, 1000 मिलियन का 1 बिलियन बनता है, सॉरी पागल तो नहीं हो, मतलब राफेल वगैरह और बड़े से बड़े फाइटर जेट चाहिए चुटकियों में इंडिया खरीद सकता है, तो यार इतना पैसा हो गया, सही बात है। तो यार आप इसके बारे में क्या कहते हो, अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में दो यार, क्योंकि और ये भी लाजमी हमें बताना कि वो जो खजाना यार रखाया था गिरी वो क्यों रखा गया था, तो ताकि हमें भी उसके बारे में, मतलब यार कांग्रेस की दौर में रखा गया था, उन्हीं की दौर, तो कांग्रेस दिवाला ही निकाला हुआ था इंडिया का, तो देखते हैं, मतलब आप बताना कमेंट सेक्शन में, तब हमें भी आइडिया कुछ हो, तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत यार ख्याल रखना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। तो